दास फिशरमैन होटल में पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैंडलूम और कलाकृतियों की एक प्रदर्शनी में शामिल हुई। इस प्रदर्शनी में पीएम मोदी ने चीनी राष्ट्रपति को भारत की कलाकृतियों के बारे में बताया। इसके अलावा पीएम मोदी ने राष्ट्रपति को सिल्क के कपड़े में बनी उनकी एक तस्वीर भी भेंट की। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा है कि वो भारत में मिले सम्मान से अभिभूत है। महाबलीपुरम में दोनों देशों के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत में उन्होंने ये बातें कही हैं। उनका कहना था कि उन्होंने और चीन से आए उनके सहयोगियों ने इसे महसूस किया है। राष्ट्रपति ने कहा कि ये दौरा उनके और उनके साथियों के लिए यादगार दौरा रहेगा। चीन के राष्ट्रपति ने कहा कि जैसा कि कल पीएम मोदी ने कहा था कि दोनों देशों के बीच शुक्रवार को विपक्ष मुद्दों पर बेहद सकारात्मक माहौल में बातचीत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन से कहा है कि चीन के साथ मतभेद को झगड़े की वजह नहीं बनने दिया जाएगा। महाबलीपुरम में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा है कि पिछले 2000 सालों के अधिकांश कालखंड में भारत और चीन दुनिया की प्रमुख आर्थिक शक्तियां रही हैं और अब इस शताब्दी में हम फिर से साथ साथ उस स्थिति को प्राप्त कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि पिछले साल चीन के शहर वुहान में हमारे इनफॉर्मल समिट से हमारे संबंधों में गर्मजोशी आई है। दोनों पक्षों के बीच रणनीतिक साझेदारी बढ़ी है। पीएम मोदी ने कहा कि हमने तय किया था कि हम मतभेद को आपसी सहमति से सुलझाएंगे और इसे विवाद नहीं बनने देंगे। एक दूसरे की चिंताओं के बारे में संवेदनशील रहेंगे और हमारे संबंध विश्व में शांति और स्थिरता के कारक होंगे। पीएम मोदी ने कहा कि दोनों देशों के रिश्ते विश्व में शांति का उदाहरण है। हम एक दूसरे की समस्याओं के प्रति सोचेंगे, एक दूसरे के बारे में संवेदनशील बने रहेंगे। उन्होंने कहा कि साल 2000 से चीन और भारत प्रमुख आर्थिक शक्तियां बने हुए हैं। पीएम मोदी ने कहा कि भारत और चीन के बीच सांस्कृतिक संबंध हैं, दोनों देशों के रिश्ते पहले से मजबूत हुए हैं। उन्होंने कहा कि मैं स्थापना दिवस पर चीन को बधाई देता हूं। फिशरमैन होटल के मचान रेस्टोरेंट में दोनों देशों के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत में भारत की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा विदेश मंत्री एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी मौजूद थे। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच मुलाकात हुई। दोनों नेताओं के बीच कोव रिजॉर्ट में करीब 40 मिनट तक बातचीत हुई है। इस दौरान दोनों नेताओं के साथ सिर्फ ट्रांसलेटर ही मौजूद रहे। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ विदेश मंत्री वांग यी और स्टेट काउंसलर यांग जेची सहित 100 सदस्य मजबूत प्रतिनिधिमंडल आया है। वहीं चीनी प्रतिनिधिमंडल में सीपीसी केंद्र कमेटी और राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य डिंग शुई न्यांग, स्टेट काउंसलर यांग जेची, विदेश मंत्री वांग यी, चीनी पीपुल्स पॉलिटिकल कंसल्टेटिव कॉन्फ्रेंस के राष्ट्र समिति के उपाध्यक्ष एच ई लाइफिंग और अन्य लोग भी शामिल रहे। चीन के राष्ट्रपति जब अपने होटल से ताज फिशरमैन के कोव रिजॉर्ट जा रहे थे तो पीएम मोदी ने उन्हें इको फ्रेंडली रिक्शे से वहां पर ले गए। कोवलम बीच चेन्नई का प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। यहां पर बेहद मनोरम स्थल में कोव रिजॉर्ट बना हुआ है। इसी जगह पर पीएम मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात हुई। मुलाकात के दौरान दोनों के साथ ट्रांसलेटर मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाबलीपुरम के तट पर स्वच्छता अभियान चलाया और लोगों को साफ सफाई के प्रति जागरूक रहने का संदेश भी दिया। पीएम मोदी ने कहा कि स्वच्छता से ही हम लोग स्वच्छ और फिट रहेंगे। प्रधानमंत्री फिलहाल तमिलनाडु के महाबलीपुरम में हैं, जहां चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ उन्होंने आज मुलाकात की थी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट कर खुद इसकी जानकारी दी और इससे जुड़ा एक वीडियो भी पोस्ट किया। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि सुबह मामल्लपुरम में एक बीच पर 30 मिनट सफाई अभियान चलाया। बीच पर उठाए गए कचरे को होटल स्टाफ जयराम को सौंपा गया। उन्होंने लिखा कि हम सभी लोगों को सुनिश्चित करना चाहिए कि सार्वजनिक स्थान साफ सुथरे रहें। इसके साथ ही उन्होंने लोगों को फिट और सेहतमंद रहने का भी संदेश दिया। दिल्ली में प्रदूषण पर काबू पाने के लिए राज्य सरकार ऑड इवन स्कीम लाने जा रही है। दिल्ली में 4 से 15 नवंबर तक ऑड इवन लागू होगा। कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार ऑड इवन कई बदलावों के साथ लागू किया जाएगा। फिलहाल परिवहन विभाग ने सुझाव रखा है कि ऐसे प्राइवेट कमर्शियल वाहन जो सीएनजी से चलते हैं उन्हें इस बार नियम से छूट न दी जाए। पिछली बार इन वाहनों को एक खास स्टीकर की मदद से छूट दी गई थी, क्योंकि सीएनजी प्राइवेट वाहनों में छूट वाले स्टीकर पहचानने मुश्किल आती है। इसके अलावा टू व्हीलर चालकों को सिर्फ ऑफिस टाइमिंग के दौरान ही छूट देने पर विचार हुआ है। परिवहन विभाग के मुताबिक दिल्ली में 60 लाख टू व्हीलर हैं जो पुराने इंजन पर ही चलते हैं। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने एक बार फिर वायरस कांग्रेस पार्टी और मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी पर हमला बोला है। चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि वायरस पीसी सरकार जन विरोधी नीतियों को लागू कर रही है। विपक्षी दलों के नेताओं पर लगातार मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं। नायडू ने कहा है कि मैं उनके लिए अच्छा हूं जो मेरे लिए अच्छे हैं। जगनमोहन रेड्डी एक साइको की तरह काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के मद्देनजर शिवसेना ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। आदित्य ठाकरे की अगुवाई में शिवसेना का घोषणा पत्र जारी किया गया। मैनिफेस्टो में बाला साहेब ठाकरे और उद्धव ठाकरे की तस्वीर है। मैनिफेस्टो में आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों की शिक्षा के लिए महाविद्यालय, हर जिले में एक महिला बचत घर, कामकाजी महिलाओं के लिए सरकारी हॉस्टल, रोजगार और स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों को दुरुस्त करने का वादा किया गया है। मैनिफेस्टो लॉन्च करने के दौरान आदित्य ठाकरे ने कहा कि हमारा घोषणा पत्र अलग अलग क्षेत्रों के लिए भी था, लेकिन मौजूदा घोषणा पत्र पूरे प्रदेश के लिए है। हमारे मैनिफेस्टो में हमने मुंबई और थाने के लिए भी मैनिफेस्टो तैयार किया है। अभी भी आरए को वन क्षेत्र बनाने पर हम अड़े हैं। इसी बैठक में आदित्य ठाकरे ने कहा है कि हमारा वचननामा काफी रिसर्च के बाद तैयार किया गया है। अगले 5 साल में अलग अलग योजनाएं जैसे कि बिजली बिल घटाने, 10 रुपए में खाना मुहैया कराने पर कितना खर्च आएगा, इस पर भी घोषणा पत्र में जिक्र किया गया है। ठाकरे ने राम मंदिर के मुद्दे पर कुछ भी बोलने से मना कर दिया, जो कि प्रदेश में चुनाव को देखते हुए आचार संहिता लागू है। मैनिफेस्टो जारी करने के दौरान शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि हमें क्षेत्रवादी और धर्मनिरपेक्ष कहा जाता था। दशकों पहले हमारे पास भूमि पुत्र का मुद्दा था, अब कांग्रेस और एनसीपी बेकार हो गए हैं, इसलिए वो भूमि पुत्र का मुद्दा उठा रहे हैं। बीजेपी कल हरियाणा के लिए अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। हरियाणा की सियासी जंग में मतदाताओं का भरोसा बरकरार रखने के लिए बीजेपी कई बड़े वादे करने का ऐलान कर सकती है। वहीं बीजेपी चंडीगढ़ में अपने विजन डॉक्यूमेंट संकल्प पत्र को जारी करने का फैसला किया है। पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला, तीनों प्रभारी मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष ओपी धनखड़ समेत संगठन मंत्री इस मौके पर मौजूद रहेंगे। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया है कि कश्मीर पर अधिकारियों की ओर से जारी हर बयान सफेद झूठ है। महबूबा मुफ्ती का ट्विटर अकाउंट जम्मू कश्मीर में इंटरनेट सेवाएं बंद होने के बाद से ही उनकी बेटी इल्तिजा मुफ्ती चला रही हैं। इस ट्वीट में कहा गया है कि कुछ नेताओं को हिरासत से छूट ऐसे मिली है जिन्हें कभी हिरासत में ही नहीं लिया गया था। दरअसल कुछ नेताओं की नजरबंदी हाल ही में खत्म की गई थी, जिन्हें माना जाता है कि वो सरकार समर्थक हैं।
जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य हो रहे हैं। इसी के मद्देनजर प्रशासन ने पोस्टपेड मोबाइल सेवाएं बहाल करने का फैसला किया है। सोमवार दोपहर 12 बजे के बाद से अगस्त से जारी मोबाइल सेवाओं पर पाबंदी हटा ली जाएगी। पिछले महीने सरकार ने टेलीफोन की सभी एक्सचेंज चालू कर दिए थे और लैंडलाइन सेवाओं को बहाल कर दिया था। सितंबर महीने में कुपवाड़ा जिले में मोबाइल सेवा को भी बहाल कर दिया गया था। इसके अलावा आवश्यक सेवाओं और अन्य कार्यालयों से संबंधित अधिकारियों के मोबाइल नंबर भी बहाल किए गए हैं। वहीं सभी स्वास्थ्य संस्था भी पूरी तरह से काम कर रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया की टिप्पणी पर एमपी के सीएम कमलनाथ ने कहा कि केवल 50,000 रुपए के ऋण माफ किए गए हैं। उन्होंने कहा है कि हमने पहली किस्त में 50,000 रुपए का कर्ज माफ कर दिया था, आगे हम 2,00,000 रुपए तक का कर्जा माफ करेंगे। मैं सहमत हूं कि ये 2,00,000 रुपए का वादा था। मेरा मानना है कि जनता अपने नेता पर भरोसा करती है। लखनऊ में राम मनोहर लोहिया की पुण्यतिथि पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी और बीजेपी सरकार पर तीखा हमला किया। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी सबसे झूठी पार्टी है, बीजेपी और उसकी सरकार से न्याय की उम्मीद नहीं है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा रायबरेली में पाठशाला लगाएंगी। पार्टी सूत्रों का कहना है कि प्रियंका गांधी शिविर की शुरुआत करेंगी और हर सत्र में मौजूद रहेंगी। नई टीम को प्रशिक्षण देने के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को जिम्मा सौंपा गया है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस की नई टीम के सदस्यों के लिए रायबरेली में 3 दिवसीय कार्यशाला 14 से 16 अक्टूबर तक का आयोजन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल किया है। यूपी सरकार के 13 आईएएस और 3 आईपीएस अफसरों का तबादला किया गया है। इस फेरबदल में 5 जिलों के डीएम भी बदले गए हैं। पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम के प्रबंध निदेशक आशुतोष निरंजन को बस्ती का डीएम नियुक्त किया गया है। वहीं बदायूं के डीएम दिनेश कुमार सिंह का तबादला करते हुए उन्हें जौनपुर का जिलाधिकारी बनाया गया है। पेट्रोल और डीजल के दाम में फिर लगातार तीसरे दिन गिरावट दर्ज की गई है। आज पेट्रोल की कीमत में 12 पैसे प्रति लीटर की गिरावट हुई है। वहीं डीजल का दाम भी 14 पैसे प्रति लीटर कम हो गया है। बाजार के जानकार बताते हैं कि तेल का दाम बढ़ने से माल भाड़ा में बढ़ोतरी होती है, जिससे सामानों और सेवाओं की कीमतों में इजाफा होता है। फोर्ब्स पत्रिका की सबसे अमीर भारतीयों की लिस्ट में मुकेश अंबानी लगातार 12वें साल पहले पायदान पर बरकरार है। वहीं गौतम अडवाणी 8 पायदान की छलांग के साथ इस साल दूसरे सबसे अमीर भारतीय बन गए हैं। खास बात यह है कि लिस्ट में शामिल 5 सबसे अमीर भारतीयों में से 4 गुजराती हैं। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति 51.4 अरब डॉलर है। वहीं गौतम अडवाणी की कुल संपत्ति 15.7 अरब डॉलर है। अमेजन ने ग्रेट इंडियन फेस्टिवल स्पेशल सेल की घोषणा की है। अमेजन की नई फेस्टिवल सेल 13 अक्टूबर की आधी रात से शुरू होकर 17 अक्टूबर तक चलेगी। इस सेल में स्मार्टफोन, लैपटॉप, कैमरा, टीवी और कई प्रोडक्ट्स पर आकर्षक ऑफर दिए जाएंगे। अमेजन ने वादा किया है कि सेल के दौरान वो फ्री स्किन रिप्लेसमेंट के साथ स्मार्टफोन पर 40% की छूट देगी। भारतीय बाजार में एचएमडी ग्लोबल ने नोकिया 6.2 लॉन्च कर दिया है। इस एंड्रॉइड 1 स्मार्टफोन को अमेजन इंडिया की वेबसाइट पर टीज किया गया था और ग्रेट इंडियन फेस्टिवल डील पेज पर इसकी जानकारी मिली है। आज इस स्मार्टफोन को लॉन्च किया गया है। अमेजन टीजर पेज के हवाले से बात करते तो नोकिया 6.2 सिरेमिक ब्लैक और सिरेमिक आइस कलर ऑप्शन में उपलब्ध है। स्मार्टफोन मेकर शाओमी अपना लेटेस्ट कस्टमर यूजर इंटरफेस MIUI 11 भारत में 16 अक्टूबर को लाने जा रहा है। इसे रेडमी नोट 8 प्रो के साथ ही लॉन्च किया जाएगा। कंपनी रेडमी नोट 8 प्रो में MIUI 11 आउट ऑफ द बॉक्स दे सकता है या फिर लॉन्च के बाद इसका OTA अपडेट रिलीज भी किया जा सकता है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपने अमेरिकी
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक खत लिखा है। इस खत में उन्होंने आपसी सम्मान के आधार पर मतभेदों को निपटाने और पारस्परिक लाभ के लिए सहयोग का विस्तार करने की बात की है। इस खत का मकसद जिनपिंग ने चीन और अमेरिका संबंधों को सही रास्ते पर लाना बताया है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत के दो दिवसीय दौरे के बाद आज नेपाल जाएंगे। नेपाल ने जिनपिंग के स्वागत के लिए तैयारियां पूरी कर ली है। नेपाल सरकार ने राजधानी के आसपास की कई जगहों पर स्वागत द्वार बनवाए हैं। इसके साथ ही पूरे काठमांडू शहर को नेपाल चीन के झंडे और जिनपिंग के पोस्टरों से सजाया गया है। तय कार्यक्रम के मुताबिक चीनी राष्ट्रपति लगभग 4:30 बजे नेपाल की राजधानी काठमांडू पहुंचेंगे। काठमांडू नेपाल जिनपिंग के स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है। पाकिस्तान में पिछले महीने हुई हिंदू छात्रा की मौत का खुलासा हो गया है। रिपोर्ट के मुताबिक छात्रा की मौत दम घुटने या ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुई है। ये खुलासा मामले से जुड़ी एक रिपोर्ट में किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक निमृता चंदानी की मौत दम घुटने से हुई थी। रिपोर्ट में दावा किया गया कि मेडिकल छात्रा की मौत अप्राकृतिक कारणों या जहर से नहीं हुई, नहीं तो उसके शरीर में बदलाव दिखने लगते। इथियोपिया के राष्ट्राध्यक्ष अबी अहमद को नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है। नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाले 43 साल के अबी अहमद किसी अफ्रीकी देश के सबसे युवा राष्ट्राध्यक्ष हैं। हिंसा प्रभावित अफ्रीका में शांति और सकारात्मक की नई लहर पैदा करने के लिए उन्हें इथियोपिया के नेल्सन मंडेला की ख्याति से भी नवाजा गया जाता है। सऊदी अरब के जदा बंदरगाह के पास एक ईरानी तेल टैंकर में विस्फोट के बाद आग लग गई। ईरान के सरकारी टेलीविजन ने इस हादसे की जानकारी दी है। रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब के तट से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर नेशनल ईरानियन टैंकर कंपनी के स्वामित्व वाले जहाज में विस्फोट हो गया, जिससे लाल सागर में तेल रिसाव होने लगा। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला पुणे के एमसीए स्टेडियम में खेला जा रहा है। दूसरे मुकाबले में भारतीय टीम टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी। टीम इंडिया ने 5 विकेट गंवाकर 601 रन बनाए और पहली पारी घोषित कर दी। वहीं साउथ अफ्रीका लगातार विकेट गंवा रही है। कोहली ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन अपने टेस्ट करियर का 7वां दोहरा शतक जमाया है। इसी के साथ कोहली भारत की तरफ से टेस्ट में सबसे ज्यादा दोहरे शतक लगाने की सूची में पहले स्थान पर आ गए हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान अनिल कुंबले को किंग्स इलेवन पंजाब ने आईपीएल के अगले सीजन के लिए अपना मुख्य कोच नियुक्त किया है। कुंबले को टीम की क्रिकेट से जुड़ी सभी गतिविधियों का जिम्मा सौंपा गया है। 48 साल के कुंबले आईपीएल में एकमात्र भारतीय कोच हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कुंबले 19 अक्टूबर को भविष्य के लिए अपनी योजनाओं को टीम प्रबंधन के सामने रखेंगे। भारत की चैंपियन महिला मुक्केबाज मैरी कॉम को विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 51 किलोग्राम भारत वर्ग के सेमीफाइनल में तुर्की की बुसेनोस कारिकोल्यू से खिलाफ हार झेलनी पड़ी है। रूस के उलान उदय शहर में चल रही वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में शनिवार को 6 बार की चैंपियन मैरी कॉम सेमीफाइनल में हार गई। इस तरह अब उन्हें कांस्य पदक से ही संतोष करना पड़ेगा। पिछले साल आई फिल्म धड़क में ईशान खट्टर और जानवी कपूर साथ दिखाई दिए थे। फिल्म में इनकी जोड़ी को काफी पसंद किया गया। फिल्म के बाद से ही ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। कई मौकों पर दोनों को एक साथ भी देखा जाता रहा है। हाल ही में दोनों को जोया अख्तर के घर के बाहर देखा गया। दोनों जोया के घर हो रही पार्टी में एक साथ शामिल हुए। प्रियंका चोपड़ा और फरहान अख्तर की फिल्म द स्काई इज पिंक सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। फिल्म को क्रिटिकली काफी सराहा जा रहा है। मूवी को पॉजिटिव रिव्यू भी मिले हैं। माना जा रहा है कि बॉक्स ऑफिस पर फिल्म की शुरुआत अच्छी हुई है। बताया जा रहा है कि मूवी ने पहले दिन 3 करोड़ की कमाई की है। सिंगर के प्रतीक का नया गाना कैसा नशा सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। लोग गाने को काफी पसंद भी कर रहे हैं। शौर्य खरे और आकाश प्रताप सिंह का लिखा ये गाना आकाश प्रताप सिंह, शनाया शर्मा, अर्चना सिंह और शौर्य खरे पर फरमाया गया है।
किशोर इस गाने के निर्देशक और प्रोड्यूसर भी हैं। गाने पर व्यूज और लाइक्स तेजी से बढ़ रहे हैं। सलमान खान का शो बिग बॉस 17 शुरुआत से ही कई वजहों से टॉप ऑफ द टाउन बना हुआ है। शो में कंटेस्टेंट्स के बीच चल रहे लड़ाई झगड़े और रोमांस ऑडियंस को काफी एंटरटेनिंग लग रहे हैं। एलिमिनेशन की बात करें तो इस हफ्ते किन्हीं दो लड़कियों का सफर बिग बॉस 13 के घर से खत्म होने वाला है। बता दें कि इस बार घर से बेघर होने के लिए चार लड़कियां नॉमिनेट हुई हैं, जिसमें रश्मि देसाई, कोयना मित्रा, शहनाज गिल गौर और दलजीत कौर शामिल है। आलिया भट्ट हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए कुछ भी करना चाहती है, मेहनत काफी करती है और इंस्टाग्राम पर आलिया ने अब अपने अकाउंट से एक पोस्ट जारी किया है, जिसमें वो अपनी बेस्ट फ्रेंड आकांक्षा राजन के साथ वर्कआउट के बाद मस्ती के मूड में दिखाई दे रही हैं। वीडियो में आलिया काफी थकी हुई भी नजर आ रही है। ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ की फिल्म वॉर बॉक्स ऑफिस पर रुकने का नाम नहीं ले रही है। फिल्म ने महज 7 दिनों में 200 करोड़ की कमाई कर ली है। अब मूवी की निगाहें 250 करोड़ पर टिकी हुई हैं।